नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम यहां पर करेंगे राकेश टिकैत से। जी हां, राकेश टिकैत जल्द ही एक किसान आंदोलन करने वाले हैं, एक पंचायत होने वाली है जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि क्या आने वाले समय के अंदर किसानों का एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। हालांकि राकेश टिकैत किसान आंदोलन जो अभी हुआ बीते कुछ महीने पहले, उसके बाद से शांत दिखते नजर आ रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि एक बार फिर एक आंदोलन छेड़ने की तैयारी राकेश टिकैत कर रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत इस बात को जानते भी हैं कि योगी सरकार भी इस वक्त एक्शन के मोड में है, क्योंकि योगी सरकार ने पहले ही ठान लिया है कि अगर जो भी आंदोलन की आड़ में दंगा भड़काने की कोशिश करेगा या आंदोलन की आड़ में नफरत की भावना को फैलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। दरअसल राकेश टिकैत जो इतने महीने से चुप थे, ऐसे में देखा जा रहा है कि योगी सरकार का बुलडोजर जिस तरह चल रहा है उसको देखकर राकेश टिकैत के साथ साथ तमाम और जो विपक्षी नेता हैं वो भी चुप है। लेकिन राकेश टिकैत जिस तरह एक बार फिर आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अब की बार राकेश टिकैत को इसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि बीते महीनों पहले जिस तरह राकेश टिकैत ने जो आंदोलन छेड़ा उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने राकेश टिकैत पर हाथ नहीं डाला था, लेकिन अब सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। क्योंकि देखा जा रहा है कि राकेश टिकैत आंदोलन के नाम पर जिस तरह से लोगों को भड़काने का काम करते हैं या किसानों को भड़काने का काम करते हैं, इसकी वजह से प्रदेश का माहौल खराब होता है, ऐसा बीजेपी के नेताओं द्वारा कहा गया है, ऐसा बीजेपी नेताओं के द्वारा कहा जाता है। सीधे तौर पर राकेश टिकैत एक बार फिर जो है वो पंचायत अगर करते हैं, और माना जा रहा है कि इस पंचायत में लाखों से ज्यादा की संख्या में किसानों के एकजुट होने की आशंका जताई जा रही है। जी हाँ, अगर इस पंचायत में बड़े बड़े किसान नेता आते हैं और वो जल्दी आंदोलन करने की तैयारी करते हैं, तो क्या योगी सरकार अब बड़े स्तर पर उनके खिलाफ कड़े कदम उठाती नजर आएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर जिस तरह लगातार विपक्षी पार्टियों पर चल रहा है, विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने जिस तरह से सरकारी जमीनों पर आलिशान बंगले और कोठी बनाए उन पर चलता नजर आ रहा है, इससे जो हालात फिलहाल उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि तमाम नेताओं के इस वक्त दुरुस्त नहीं है। तो फिलहाल एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी में राकेश टिकैत, लेकिन राकेश टिकैत इस बात को जानते भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लेने की देनी पड़ जाए और मामला पूरा उल्टा पड़ जाए। तो फिलहाल जो राकेश टिकैत है उनके बड़े भाई नरेश टिकैत जो राकेश टिकैत की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं रखते हैं। देखा जाता है कि नरेश टिकैत एक अलग पंचायत में जाते हैं, राकेश टिकैत एक अलग पंचायत में जाते हैं। तो सीधे तौर पर भारतीय किसान यूनियन जो है वो अब पूरी तरह से बढ़ चुकी है। भारतीय किसान यूनियन के बटने के बाद से राकेश टिकैत की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, और राकेश टिकैत को इस बात का डर है कि कहीं वो इस भीड़ में गायब ना हो जाए, इसलिए राकेश टिकैत ने एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया, और इस पंचायत में बड़ी संख्या में किसानों के आने की जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है, और क्या सरकार इस पंचायत की जो है परमिशन देती है, और अगर नहीं देती है तो क्या किसान सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ऐसे तमाम सवाल हैं जो फिलहाल निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि राकेश टिकैत की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।